हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किलोग्राम क्या है और किलोग्राम का इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा किलोग्राम के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। अप्पू को भोला ने सिखाए वजन नापने के बाट इतने अच्छे लगे कि अब उसने अपने घर के लिए भी कुछ बाट और एक तराजू खरीद लिया। अप्पू अपने घर की कुछ वस्तुओं के वजन का अंदाजा लगाना चाहता है। उसने पहले तराजू पर एक तरफ 1 किलो का बाट रखा और फिर उसने दूसरी तरफ अपने घर का टीवी रिमोट रख दिया। बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टीवी के रिमोट का वजन 1 किलो से कम है या 1 किलो से ज्यादा है? शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। रिमोट का वजन 1 किलो से कम होता है। बच्चों, यहां अप्पू के घर की कुछ वस्तुएं हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तुओं का वजन 1 किलो से कम होगा और कौन सी वस्तुओं का वजन 1 किलो से ज्यादा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। इन वस्तुओं का वजन 1 किलो से कम होगा और इन वस्तुओं का वजन 1 किलो से ज्यादा होगा। अप्पू ये तो समझ गया कि कुछ वस्तुओं का वजन 1 किलो से ज्यादा है और कुछ का 1 किलो से कम, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि यदि उसे 1 किलो से कम वजन की वस्तुओं का वजन नापना हो तो वो ये कैसे कर पाएगा? अप्पू उसका तराजू लेकर भोला की दुकान पर पहुंच गया और उसने भोला से ये सवाल पूछा। तब भोला ने उसे बताया कि अगर उसे 1 किलो से कम वजन की वस्तुओं का वजन नापना हो तो वो ग्राम का इस्तेमाल कर उन वस्तुओं का वजन नाप सकता है। 1000 ग्राम जोड़कर 1 किलोग्राम बनता है। भोला ने अप्पू को इस तरह के 50, 100, 250 और 500 ग्राम के बाट दिखाए। फिर उसने अप्पू से उसका तराजू लिया और तराजू के एक तरफ एक पेन रखा और दूसरी तरफ 100 ग्राम का बाट रखा। तराजू की दोनों बाजू समान तल पर आ गईं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, इसका मतलब भोला के पेन का वजन 100 ग्राम है। अप्पू ग्राम में वजन नापने के बारे में सीख और भी उत्साहित हो गया। उसने भोला से कुछ ग्राम के बाट भी खरीद लिए और खुशी खुशी अपने घर चला गया। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं। क्या आप अपने दोस्तों के साथ इन चित्र को उनके सही वजन के साथ जोड़ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। वाह बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा किलोग्राम के इस्तेमाल के बारे में और सीखा।